नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद में समय मिला तो आज आपके लिए एक सोचा कुछ बनाऊं मैं। तो दोस्तों, आज मैं एक सॉन्ग आपके लिए, बहुत ही फेमस एवरग्रीन सॉन्ग है, जिसको मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊंगा। एक बार देखिए किस तरीके से इस सॉन्ग को प्ले करना है। और दोस्तों, आपसे बस एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बस यही सपोर्ट आपका चाहिए, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें। जब आपके कमेंट आते हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज कुछ मैं आपके लिए कुछ सॉन्ग प्ले करूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके से कौन क्या है ये। दोस्तों, बड़ा ही ये फेमस सॉन्ग रहा है अपने समय का, और आज भी अगर आप इस सॉन्ग को सुनेंगे तो ये बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग है, एवरग्रीन सॉन्ग है। जितना सुनेंगे आप उतना ही सुनने को दिल करता है इस सॉन्ग को। और ये फाल्गुनी पाठक जी का ये सॉन्ग है, जिसको मैं कीबोर्ड पर आप लोगों को बता रहा हूँ। उनका जो ओरिजिनल स्केल जो उन्होंने दिया था वो ई मेजर, ये उनका ओरिजिनल स्केल था। तो दोस्तों, किस तरीके से एक बार अगर आपने ये सॉन्ग नहीं सुना है तो एक बार यूट्यूब पर इस सॉन्ग को सुन लीजिए पहले, तो आपको बजाने में बड़ी आसानी रहेगी उससे। जब तक देखिए, कोई भी सॉन्ग हम सुनते नहीं हैं तब तक हमें उसको बजाने में बड़ी परेशानी आती है। ये जब तक कोई चीज़ नहीं देखी हो तो उसको कैसे बता सकते हैं कि उसका क्या रूप है। अगर मान लीजिए किसी भगवान की फ़ोटो और हमने कभी देखी नहीं है उससे पहले में, तो हमें कैसे पता पड़ेगी ये कौन से भगवान है। तो वही तरीका इसका भी है कि जब तक हम कोई सॉन्ग सुनते नहीं हैं तब तक हमें पता नहीं पड़ता कि कौन सा सॉन्ग है। तो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी सॉन्ग आपको पसंद हो या जो भी सॉन्ग आप बजाना चाहते हैं, पहले उन्हें सुनिए ध्यान से। अगर आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो बजाने में बहुत ही आसानी रहेगी आपको। तो चलिए, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तूने तुमरी जो लहराई, अब क्यों आया ना हर जाई। मैंने पहले चमकाई, अब आया ना हर जाई। मेरी सांसों में तू तो सजना अजना वे तरसा, तो सजना अजना वे तरसा। तो इसमें कैसे कैसे जाना है आपको? अब उन्होंने जब यहाँ से प्ले किया है तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे कि जिन्हें केवल यहाँ से प्ले करने की आदत होगी, या यहाँ से आदत होगी, या यहाँ से आदत होगी, या एक्स वाई जेड यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से या कहीं और से उन्हें प्ले करने की आदत होगी। तो दोस्तों, कभी एक ही चीज़ से कोई भी सॉन्ग आप प्ले मत करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका दिमाग केवल वही रहता है। और उसके लिए हमें रूट नोट सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले वीडियो रूट नोट की बनाई हुई है, दो पार्टों में वो वीडियो है, तो आप उसमें देखिए। मैंने सारी पूरी 12 की 12 जो नोट हैं हमारे, सबके मैंने रूट नोट बताए हुए हैं उन वीडियो में।
तो आप एक बार देखिए उन वीडियो को, और अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो इसका अब उन्होंने यहाँ से इसको सॉन्ग को गाया है, तो यहाँ से इसका जो रूट नोट बनता है वो क्या बनता है, देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये इसका रूट नोट बनता है। और अगर हम मंदर सप्तक में बात करें तो सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, वही आगे तार सप्तक में भी चला जाएगा। तो रूट नोट इसका ये है, ये सारे के सारे शुद्ध नोट है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इसमें भी शुद्ध ही नोट ये सारे प्ले हुए हैं। तो देखिए क्या क्या बजा इसके अंदर, स्टार्टिंग इसकी यहाँ से, पहला स्टॉप यहाँ पर है, तूने चुनरी जो लहराई, हम क्या करेंगे, सा रे गा, गा से स्टार्ट होगा ये, गा मा गा, ठीक है, इस तरीके से ये रूट हो गए। तो हम गा से स्टार्ट करेंगे, गा गा मा गा पा पा, अब क्यों आया ना हर जाई, फिर इसके अंदर आता है, अब ये हो ये कहाँ लेना है हमें, इसे हमने वो किया, तूने चुंदरी है लहराई, अब यहाँ से कहाँ जाना है हमें, सा जो हमारा तार सप्तक का साथ था, क्योंकि हम यहाँ से प्ले कर रहे हैं तो ये सा हो गए हमारे, तो हमें यहाँ से सीधा जाना है सा पर, सादा पा मादा, ठीक है, पा से सीधा जाएंगे हम सा पर, सा नी को छोड़ देंगे दोनों को, ता पा मादा, ये दो बार आता है, हो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पूरा प्ले करके, ठीक है, अब ये यहाँ तक आ गया हमारा, जब हो में आओ तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, फिर मैंने पहले छनकाई आया ना हर जाई, फिर मैंने पायल है छनकाई आया ना हर जाई, आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, फिर मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना अगना वे तरसा, ओ सजना अगना वे तरसा, मैंने पायल छनकाया तो अजब हर जाई, मेरी सांसों में तू है बसा, सजना
अजना भी तरसा उस जिना, अजना भी तरसा। अब देखिए इसमें हमने सारे के सारे शुद्ध नोट लिए हैं, ठीक है। सा लिया है हमने, रे गा मा शुद्ध, पा धा शुद्ध और सा। और फिर हमने मंद्र सप्तक में नी ली है, ठीक है दोस्तों। मंद्र सप्तक की नी, ता सप्तक की नी नहीं है इसके अंदर, मंद्र सप्तक की है केवल। एक बार दोबारा देख लीजिए, उसकी सुंदरता को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हम जब हम यहाँ तक आते हैं इसका कर्ण ले सकते हैं बहुत हल्का। तो उम्मीद है कि ये पसंद आएगा। और अगर इसके कॉर्ड आपको निकालने हैं तो देखिए कॉर्ड का मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है पहले कि 148 माइनर कॉर्ड, 158 मेजर कॉर्ड, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। और दूसरा कॉर्ड का जो असली फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को कोई नहीं बताता है। दोस्तों ध्यान रखिए कि कॉर्ड का कौन सा फॉर्मूला आपको लेना है, तो उसके लिए बहुत मैंडेटरी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ये फॉर्मूला अपनाओगे तो गारंटी आप हर गाने के कॉर्ड निकाल लोगे। अब देखो कैसे उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, पहला कॉर्ड बन गया हमारा, ये देख रहे हैं ई मेजर। अब उसके बाद रे लग रही है तो हमारा ये भी नोट आ रहा है इसके अंदर माँ, और धा भी आ रहा है तो तीसरा माइनर, ठीक है। अब सा का बन गया, रे का बन गया, अब गा गा का भी ये देख रहे हैं ये माइनर बन गया, ठीक है। ये वाला नोट लग रहा है इसका, ये बन गया, ठीक है। ये वाला नोट लग रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसका दोस्तों यहाँ ठहराव नहीं आ रहा होगा गाने का, तो यहाँ नहीं बन रहा है कॉर्ड। और अगर अपना धा रहा है तो धा के लिए ये बन गया, ठीक है। यहाँ भी बना सकते हैं आप, यहाँ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉर्ड बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।